हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लास्ट ये हम लोग का थ्री डेज में इसका लेक्चर थर्ड है, तो इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग इसमें मॉडलिंग करेंगे। हम लोग के पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मॉडल कैसे करेंगे। लास्ट सेशन हम लोग को देखा था किस तरीके डिफरेंट शेप बनाएंगे। ओके, सो सपोज हमारे पास एक बॉक्स है लाइक दिस, एंड आपको इसको मॉडल करना, लाइक इफ यू वांट टू मेक दिस लाइक अ चेयर, आपको इसको चेयर की तरह बनाना है। ओके, सो फॉर दैट यू कैन जस्ट कट योर सेगमेंट्स, 1 2 3 4, नो लाइक दिस, मोर एंड हाइट सेगमेंट। ओके, एंड आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे तो आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं, बट यहाँ पर नहीं दिख रहे बिकॉज दिस इज रियलिस्टिक व्यू। सो अगर आपको यहाँ पे देखना है तो जस्ट क्लिक हियर एंड देन क्लिक ऑन एच फेसेस लाइक दिस। ओके, और आपको इसको चेयर बनाना है। ओके, तो चेयर बनाने के लिए आप क्या करते हो, या कुछ भी मॉडल करना है तो पहले मॉडलिंग सीखेंगे, फिर हम चेयर है जो भी बनाना है देखेंगे। सो राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। नाउ देयर आर 5 ऑप्शंस, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इससे ही सारी की सारी मॉडलिंग होती है पूरे 3ds Max में। ओके, तो हम एक एक टर्म को समझेंगे, और फर्स्ट वन इज वर्टेक्स, सो जस्ट सेलेक्ट वर्टेक्स, यू कैन सी हियर। अगर आपको नहीं, किसी एक को भी सिलेक्ट किया, देखिए एक सिलेक्ट हो गया, और आप चाहते हो कि इसको मैं लाइक इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, सो सपोज तो आप इसको इस तरीके से बना के आप देखिए, यहाँ पे आपको इस तरह से तैयार कर सकते हो, इस तरीके से तैयार कर सकते हो। करेक्ट, कंट्रोल दैट इफ यू वांट टू मूव मोर देन वन पॉइंट, और इफ यू वांट टू सेलेक्ट मोर देन वन पॉइंट, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ग्रो करना पड़ेगा, ग्रो मीन ग्रोथ लाइक दिस। अब यहाँ पर अगर तुम मूव करोगे आप लोग इस तरीके से ऑब्जेक्ट आपका मूव, ओके, अगर आपको उसको श्रिंक करना है, मतलब सिकोड़ना, तो श्रिंक जैसे ही करेंगे उसे कम सिलेक्ट होता रहा और लास्ट में जीरो हो जाएगा, तो मींस आपको वर्टेक्स का मतलब समझ में आ गया होगा। नाउ सेकंड इज एज, एज मींस एज कॉर्नर लाइक दिस, दिस वन, दिस आर दी एज कॉर्नर। आप बोलोगे इसका यूज कहाँ पे, तो देखिए जैसे हमने एक एज को सिलेक्ट किया, एंड यू कैन यूज ग्रो लाइक दिस। अब इसको अगर मूव करोगे, इतने एलिमेंट एक साथ आपके मूव हो जाएंगे, और साथ ही साथ और भी बहुत से ऐसे सिलेक्ट किया, स्ट्रिंग ग्रो तो आपको समझ आ गया। मैं आपको समझाता हूँ लूप पहले, फिर रिंग को समझाऊंगा। लूप मीन्स एक साथ इनके साथ जो लूप है, पूरा पूरा लूप को सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट किया, देखिए पूरे लूप सिलेक्ट हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक। अब अगर इसको आप मूव करते हैं, देखिए मूव रहा है इस तरीके से, तो इसे बोलते हैं लूप। ओके, इसके बाद आता है रिंग। रिंग कैसे यूज करते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर सेलेक्ट है मान लीजिए, और हमने इस पे रिंग पे क्लिक कर दिया। जैसे रिंग पे क्लिक किया, देखिए आप यहाँ पे सारा का सारा एक साथ रिंग बन गया। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, देखिए आपको कैनाल जैसे से बनाना है, तो आप इसको प्रेस कर देख सकते हैं, ठीक है। रिंग मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ। सो ये हमने सीखा कि रिंग किस तरीके से बनेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए बॉर्डर, बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर थोड़े से एक एलिमेंट बार बताता हूँ, पहले पॉलीगन बताऊंगा तब समझ आएगा आपको। तो हमने बॉर्डर पॉलीगन लिया, पहले पॉलीगन मीन्स एक एक कट्स लाइक दिस, दिस वन एंड दिस वन, एंड आपको इसको ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए जस्ट ग्रो लाइक दिस, इफ यू वांट टू श्रिंक दिस यू कैन श्रिंक। आप बोलो इसका यूज क्या है, सबसे ज्यादा यूज तो इसी का है। जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, देखिए पूरा पूरा एलिमेंट सिलेक्ट हो गया आपका। अगर मैंने इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, तो देखिए दोस्तों इसके कॉर्नर कॉर्नर पे आपको बॉर्डर तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा, बॉर्डर तैयार हो जाएगा, मींस अब हम बॉर्डर कमांड को यूज कर सकते हैं। ये लिया, रिलीवर जैसे क्लिक किया, देखिए बॉर्डर कमांड सेलेक्ट हो गया, और इसको हम चाहे तो बॉर्डर पूरे बॉर्डर के साथ मूव कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हमें बॉर्डर नहीं चाहिए तो उस गैप को फिल कर सकते हैं। फिल कर दिया, वापस वैसे हो गया जैसा था। ओके, तो मे बी आप समझ गए होंगे बॉर्डर के बारे में और पॉलीगन। एलिमेंट मीन्स होता है दोस्तों ओवरऑल ऑब्जेक्ट, एलिमेंट मीन्स ओवरऑल ऑब्जेक्ट मीन्स आप किसी भी कॉर्नर पर क्लिक करिए, देखिए पूरा पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। ओके, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं, इससे कोई एक ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रोग्रेस किया कि मैं आपको एक छोटी सी चेयर बनाकर दिखाता हूँ। अभी बहुत मॉडलिंग के कमांड्स हमने नहीं सीखे, तो नॉर्मल चेयर बनाएंगे, आगे भी हम लोग चेयर बनाएंगे, बट वो थोड़े मॉडलिंग के कमांड सीखने के बाद। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से पॉलीगॉन लिया, और पॉलीगॉन लेने के बाद फर्स्ट कंट्रोल की दबा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से सबको सेलेक्ट कर लिया,
ऑसिलेट करने के बाद इनको एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड के लिए आप देखिए यहाँ पे भी कमांड है, यहाँ पे आपको स्केल पे क्लिक करना चाहिए, यहाँ नहीं, यहाँ क्लिक करेंगे तो स्केल नहीं आएगा, स्केल एक्सट्रूड होगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपर एक स्केल आएगी जिसमें आप देखते रहोगे कि मुझे कितना ज्यादा इसको उठाना है ऊपर की ओर। अब मैंने कहा इसको इसको और इसको 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 और इसको, इसको हमने हैंड को रखने के लिए हमने यूज किया था जस्ट एक्सट्रूड, और इसके बाद हमने इसको ऐसे मिनिमाइज किया। ओके, तो हमने देखा कि हमारे पास एक स्फीयर बन गई है। अब आप बोलेंगे सर इसमें थोड़ी सी मॉडलिंग कर दीजिए क्योंकि बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने बोला ओके। तो जैसे मान लीजिए इनके बीच में कटिंग करनी हो, लाइक ये बीच का पोर्शन इसका निकालना हो, सो फॉर दैट आप इसके बाद एक बॉक्स बनाइए जितने एरिया में आपको कट करना है। बॉक्स बनाया इस तरीके से, आप शायद इसको इसके विड्थ को बढ़ा सकते हैं, ओके, मूव भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिए आपको बैलेंसिंग जिस तरह से चाहिए प्रॉपर इधर उधर कर लीजिए। और चेक करने के बाद अभी इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके यहाँ पे आइए, और यहाँ पे होता है आपके पास कंपाउंड ऑब्जेक्ट, क्या होता है कंपाउंड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जाके बुलियन, और बुलियन पे क्लिक कीजिए जैसे सेकेंड ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे पिक ऑपरेंड बी, पिक ऑपरेंड बी मतलब सेकेंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या किया, मूव मतलब वो गायब हो जाएगा। आपको और मॉडल चाहिए, आपको इधर पीछे की ओर भी ये कट करना है, सो उसके लिए स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स बॉक्स, और हमें इस तरीके से और हमने इसको भी एक्सट्रूड करना चाहा, थोड़ा सा इसको मूव करना चाहेंगे इससे बैलेंसिंग अच्छी रहे। ए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, ए ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, कंपाउंड ऑब्जेक्ट बूलियन पी कॉपी डी, और जैसे ही सेकंड पे क्लिक करेंगे तो क्या करना है बूलियन हो जाएगा। और इसके बाद अब मुझे इसमें थोड़ा सा सेलेक्ट कीजिए से ये शेयर है तो पीछे की ओर थोड़ा सा स्मूथ करना है, तो उसके लिए क्या करिए, जैसे मैंने इसमें ले लिया, और अभी आपको मैंने अभी भी सिखाया था राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉलीगन, और यहाँ से वर्टेक्स को सेलेक्ट करके सारे वर्टेक्स को ऐसे सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करके थोड़ा सा मूव कर दिए जैसे कि थोड़ी बेंडिंग आ जाना चाहिए तो देखने में थोड़ा सा अच्छा। ओके, अब आपने बोला सर इसमें का थोड़ी सी स्मूथनेस आ जाए तो और अच्छा दिखेगा, ओके स्मूथनेस के लिए क्या करिए, इसको सेलेक्ट करिए, मॉडिफाई भी जाइए, आप एक टॉन होती है टर्बोस में, टर्बो स्मूथ जैसे क्लिक करेंगे तो पिक्चर आपकी कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह।